हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो प्रिय साथियों, जीवन में व्यक्ति को सुख, वैभव और ऐश्वर्य के देने वाले ग्रह जो कि एकमात्र शुक्र ग्रह हैं 9 ग्रहों में, अब वो अपना राशि का परिवर्तन एक बार फिर कर रहे हैं। और ये अपना राशि का परिवर्तन जो करेंगे, ये करेंगे 13 अक्टूबर सन 2024 को। दिन रविवार होगा, तिथि दशमी होगी और समय होगा प्रातः 6 बजे। तो 13 अक्टूबर की रविवार की दशमी तिथि में प्रातः 6 बजे ये अपनी स्वयं की राशि तुला से निकल रहे हैं। जी हाँ, और निकल करके ये अपनी सम राशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे, यानी कि मंगल की राशि में प्रवेश इनका होने जा रहा है 13 अक्टूबर सन 2024 को प्रातः 6 बजे। और ये जब वहां पर प्रवेश होगा इनका, तो ये मार्गी और उदित अवस्था में होंगे, बहुत अच्छी पोजीशन में जा रहे हैं, इनकी अपनी स्थिति काफी बेहतर है। और जब ये तुला राशि में, अपनी सम राशि में वृश्चिक में प्रवेश इनका होगा, तो वहां पर ये 6 नवंबर सन 2024 तक बने रहेंगे, यानी कि 13 अक्टूबर 2024 से लेकर के 6 नवंबर 2024 तक ही अपनी सम राशि वृश्चिक में बने रहेंगे। और इस राशि में इनका जो साथ है, जो संबंध है, जो बनेगा, वो 29 अक्टूबर से लेके और 6 नवंबर तक अपने मित्र ग्रह बुध के साथ बनेगा, मर्क्यूरी के साथ। तो और भी इनके जो रिजल्ट्स हैं, जो इनके द्वारा मिलने वाले रिजल्ट्स हैं जातकों को, उसमें और ज़्यादा तीव्रता आ जाएगी और बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकेंगे, ये हम कह सकते हैं। तो 13 अक्टूबर से लेकर के और 6 नवंबर तक का जो ये समय है, जिसमें कि वीनस यानी कि शुक्र अपनी सम राशि वृश्चिक में रहेंगे और मार्गी और उदित अवस्था में रहेंगे, तो ये आप सभी 12 लगन राशियों के जो हमारे मित्र हैं, मेष लगन राशि से लेके और मीन लगन राशि तक, उनको शुक्र के द्वारा उनके जीवन में किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलेंगे, ये चर्चा अब हम इस प्रोग्राम में आपके साथ करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस लगन राशि के जातकों को शुक्र क्या दे रहे हैं इस ड्यूरेशन में, यानी कि 13 अक्टूबर 2024 से लेकर 6 नवंबर 2024 के दरमियान। तो आरंभ करते हैं मेष लगन राशि से, यानी कि जिनका एरीज असेंडेंट बनता है। तो साथियों, आपके चार्ट में जो शुक्र हैं, वो सेकंड हाउस के लॉर्ड हैं, सेवंथ हाउस के लॉर्ड हैं। दो राशियां हैं शुक्र की, एक वृषभ टॉरस और दूसरी लिब्रा यानी कि तुला। तो दोनों राशियां जो हैं, इनकी पहली राशि जो है वो आपके सेकंड हाउस में है और जो दूसरी तुला राशि है वो सेवंथ हाउस में है। और ये अब शुक्र जो हैं कहाँ बैठेंगे जाकर के, अपनी सम राशि, जैसा मैं बता चुका हूँ, वृश्चिक में, यानी कि आपके चार्ट में एट्थ हाउस में। प्रिय साथियों, यूँ तो काफ़ी कुछ अच्छे और बेहतर परिणाम आपको ये देंगे, लेकिन थोड़ी सी कमी भी रहेगी, तो उसके विषय में भी आपको हम जानकारी जरूर देंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात ये कि क्योंकि अपनी दृष्टि इनकी अपनी राशि पर पड़ रही है, तो एक तो घर परिवार के सदस्यों के साथ बहुत अच्छा तालमेल बना रहेगा, जिसमें कि बड़े भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, उनके साथ भी उनका प्यार, स्नेह, आशीर्वाद आपके ऊपर शुक्र के कारण पूर्ण रूप से बना रहेगा। और धन का जो संचय है, वह भी आप अच्छे ढंग से, अच्छी मात्रा में, सही जगह पर कर पाएंगे और उसका अच्छा रिटर्न भी आपको शुक्र दिलवाने वाले हैं। लेकिन एक थोड़ी सी कमी जरूर है कि ये थोड़ा सा पेट से संबंधित व्याधियां आपको दे सकते हैं, ये थोड़ा सा इसका ध्यान आपको रखना है। विशेष रूप से अपने खान पीन का जरूर ध्यान रखिए, अपने रूटीन को फॉलो करते रहिए सही तरीके से, कायदे से, तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो साथियों, ये स्थिति जो है शुक्र की आपके लिए रहेगी। और थोड़ा सा जो आपका वैवाहिक जीवन है वो तो सुखद है, लेकिन आपका जो पार्टनर है, लाइफ पार्टनर,
उसके हेल्थ को लेकर के कुछ थोड़ी सी समस्या रह सकती है, विशेष रूप से जैसे कि शुगर आदि या डायबिटीज प्रॉब्लम, डायबिटीज से रिलेटेड इसकी समस्या बन सकती है। आगे बात करते हैं वृषभ राशि की, वृषभ लग्न राशि यानी कि जिनका टॉरस असेंडेंट बनता है। तो क्योंकि वृषभ जो राशि है इसके तो लॉर्ड ही स्वयं वीनस हैं, यानी कि शुक्र हैं, शुक्राचार्य हैं। तो यहां पर क्या है कि जो आपका चार्ट है वृषभ लग्न राशि के जातकों का, उसको पूरी तरीके से उसके जो लॉर्ड हैं वो वीनस हैं यानी शुक्र हैं, उसको पूरी तरह से गवर्न करते हैं ये आपके चार्ट को। तो ये भी आपको जान लेना जरूरी है आपके लिए। अब क्योंकि इनकी जो पहली राशि है वृषभ, वो आपके लगन भाव में है, फर्स्ट हाउस में है, और जो इनकी दूसरी लिब्रा जो साइन है, जो तुला राशि है, वो है छठे भाव में, और ये सप्तम भाव में जाकर के बैठ रहे हैं। अब ये जब सप्तम भाव में जाकर के बैठेंगे साथियों, तो ये आपको किस प्रकार के रिजल्ट देंगे वृषभ लगन राशि के जातकों को, बड़े अच्छे परिणाम आपको देने जा रहे हैं। किस क्षेत्र में? सबसे पहली बात तो ये कि जब तक ये यहाँ पर रहेंगे सेवेंथ हाउस में, वृश्चिक राशि में शुक्र, आप काफ़ी रोमांटिक बने रहेंगे, काफ़ी रोमांटिक बातें भी करेंगे, और यहाँ पर एक बड़ा अच्छा एक ब्लेंड नज़र आएगा आपके अंदर, आपके व्यक्तित्व के अंदर, आपकी बातों में। और वो ये होगा कि एक तरफ तो ज्ञान और दूसरी तरफ रोमांस, ये दोनों का मिक्सचर जो है ये लोग देख पाएंगे। आपकी पर्सनैलिटी जो है वो इन दो चीज़ों से मिलकर के बन रही है, और ये सारी चीज़ें जो हैं लोगों के द्वारा आपके अंदर देखी जाएंगी। तो जो रोमांस आपके अंदर रहेगा, ये रोमांस जो है आपके जीवन साथी जो है उसके साथ काफ़ी आप रोमांटिक रहेंगे, और आपकी जो मैरिड लाइफ है वो भी बड़ी अच्छी, और वैवाहिक सुखों का पूरा आनंद आप लेंगे। इतना ही नहीं, यदि आप कोई पार्टनरशिप में किसी के साथ काम कर रहे हैं तो पार्टनरशिप में भी आपको अच्छा मुनाफा होगा, पार्टनर के साथ आपका अच्छा तालमेल बना रहेगा, पार्टनरशिप में किया जा रहा काम से आपको लाभ मिलेगा। और इसके अतिरिक्त जो ऐसे लोग हैं जो आपके विरोधी हैं या जो आपसे आपका विरोध करते हैं, शत्रु पक्ष है आपके, वो भी शांत रहेंगे। और अगर आप कोई कर्ज वगैरह लेने की प्लानिंग आपकी है, कोई लोन वगैरह कोई लेना चाहते हैं, उसके लिए भी अगर आप कोशिश करते हैं तो उसमें भी सफलता प्राप्त आपको आसानी से हो जाएगी। आगे बात करेंगे मिथुन लग्न राशि के जातकों पर शुक्र किस प्रकार का प्रभाव देंगे जब ये वृश्चिक राशि में जाएंगे 13 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर के बीच। तो देखिए, आप मिथुन लग्न राशि के जो जातक हैं, आपके चार्ट में जो वीनस हैं यानी कि शुक्र हैं, उनकी जो पहली राशि वृषभ है वो द्वादश भाव में है, 12th हाउस में, और दूसरी जो तुला राशि है वो है पंचम भाव में, 5th हाउस में, और ये जा करके बैठ रहे हैं वृश्चिक राशि में छठे भाव में। अब ये जब यहाँ पर आकर के बैठेंगे साथियों छठे भाव में, तो यहाँ पर बैठने से भी ये यूँ तो स्वास्थ्य तो आपका पहले से ही काफ़ी ठीक है, शत्रु भी विरोधी भी शांत हैं, लेकिन ये जब यहाँ पर आकर के बैठेंगे तो शत्रुओं को और अधिक शांत कर देंगे, विरोधी बिल्कुल पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। और यदि इस पीरियड में आप अपना कोई कर्ज आपने लिया हुआ है उसको चुकाना है, क्लियर करना चाहते हैं डेट अपना, और उसके लिए अगर आप कोशिश करेंगे तो उसमें आप सक्सेस होंगे। या कोई आपको अपने किसी कार्य के लिए, स्टार्टअप के लिए कोई आपको लोन आदि की आवश्यकता है, उसके लिए आप किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या किसी बैंकिंग सेक्टर पर जाकर के अप्रोच कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी कार्य आपका जाएंगे तो बनेगा, शुक्र आपका कार्य बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी समस्या ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले, उनको अपनी पढ़ाई पर बहुत अधिक फोकस करना पड़ेगा, यानी कि जितना मेहनत करेंगे उसी के प्रोपोर्शन में आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। यदि आप मेहनत कम करेंगे तो कम रिजल्ट्स आएंगे अच्छे बेहतर, अगर अधिक मेहनत करेंगे तो अधिक बेहतर रिजल्ट्स आपको प्राप्त होंगे। साथ ही ये भी बता दें कि दूर दराज की यात्राएं आपके लिए बड़ी सुखद रहेंगी, और आपका जो भी पर्पस लेकर के आप यात्रा करेंगे, जर्नी करेंगे, ट्रैवल करेंगे, वो पर्पस भी आपका पूरा होगा, फुलफिल होगा, उद्देश्य की पूर्ति होगी।
तो ये मिथुन लग्न राशि के जातकों को शुक्र के द्वारा ऐसे प्रभाव देखने में आएंगे। अब आगे बात करते हैं कर्क लग्न राशि के जो हमारे मित्र हैं, कर्क लग्न राशि के जिनका कैंसर असेंडेंट। तो साथियों, आपके चार्ट में शुक्र की जो पहली राशि टॉरस है, वृषभ, वो है 11th हाउस में, यानी कि एकादश भाव में, और जो दूसरी उनकी राशि है तुला, वो है वो आपके 4th हाउस में, चतुर्थ भाव में, और ये पंचम भाव में जाकर के बैठेंगे 13 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर तक, और 9 दिन के लिए अंत में बुध भी आकर के बैठेंगे, वो तो और सोने में सुहागा का काम करेंगे। तो साथियों, आप कर्क लग्न राशि के जातकों को शुक्र के द्वारा क्या प्राप्त होने वाला है, आइए जानते हैं। साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि जो कहीं पर अगर आपका किसी के साथ लव अफेयर चल रहा था, या आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे, तो मित्र की ओर से आपको कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स या समय पर कोई अच्छा रेस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा था, जिसको लेकर के आपकी थोड़ी सी एक तरीके से चिंताएं बढ़ रही थी, आप थोड़ा विचलित हो रहे थे। लेकिन अब यहां पर जब 13 अक्टूबर से शुक्र आ रहे हैं, तो आप कर्क लग्न राशि के जातकों उसके हम बताना चाहेंगे कि आपका जो वो मित्र है जिसके साथ आपका एक अच्छा रिलेशन बना हुआ है, उनकी ओर से भी अच्छा रेस्पॉन्स आपको मिलेगा, वो अच्छा रेस्पॉन्ड करेंगे आपको, पॉजिटिव रेस्पॉन्ड करेंगे, जिससे कि आपकी एक तरीके से एक्साइटमेंट जो है वो बढ़ेगी, आपकी खुशी में बढ़ोतरी होगी, वृद्धि होगी, और आप भी स्वयं काफी रोमांटिक रहेंगे, रोमांस की बातें अधिक करेंगे, रोमांस के बारे में अधिक सोचेंगे, विचार करेंगे। और जो स्टूडेंट्स हैं, जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, वे सफलता प्राप्त करेंगे अपनी पढ़ाई को लेकर के इस पीरियड में, और जो अपने रोजगार से जुड़े हुए हैं या अपने व्यापार करते हैं, वे भी कुछ अच्छे और महत्वपूर्ण डिसीजंस इस समय में अगर लेते हैं तो वो उनके लिए नीम मील का पत्थर साबित होंगे, बहुत अच्छे उसके रिजल्ट्स मिलेंगे, और सुख सुविधाओं का भी लाभ आपको अच्छा मिलेगा, मित्रों का सहयोग मिलेगा, चाहे वो मेल हैं या फीमेल हैं, ये तो हम बता ही चुके हैं आपको, और धन का लाभ अच्छी मात्रा में होगा, प्रचुर मात्रा में धन का लाभ की प्राप्ति शुक्र आपको कराएंगे, साथ ही सुखों का भी लाभ दिलवाएंगे। तो कर्क लग्न राशि के लिए शुक्र जो है बहुत कुछ लेकर आ रहे हैं, आने वाले हैं 13 अक्टूबर से। अब आगे बात करते हैं जो हमारे सिंह लग्न राशि के जातक हैं, जिनका कि लियो असेंडेंट बनता है। तो साथियों, आपके चार्ट में जो शुक्र की पहली राशि वृषभ है, टॉरस, वो है दशम भाव यानी कि 10th हाउस में, और उनकी दूसरी राशि जो तुला है, लिब्रा, वो है 3rd हाउस में, और ये शुक्र जो है चतुर्थ भाव में आकर के बैठने वाले हैं 13 अक्टूबर से सिंह लग्न राशि के। तो आपको ये क्या देंगे? सबसे पहले तो आपके करियर जो है, करियर में ये आपको सफलता प्राप्ति कराएंगे, सफलता प्राप्ति के योग बनाएंगे, आपकी पदोन्नति भी हो सकती है, और काफी पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको प्राप्त होंगे, यानी कि जिन रिजल्ट्स का आपको काफी दिनों से, काफी समय से बेसब्री से आप इंतजार कर रहे थे और आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे थे, अब शुक्र आकर के उन सारी कमियों को पूरा करेंगे आप सिंह राशि के जातकों के करियर में। एक बहुत बड़ा कमबैक आपको होने वाला है अपने करियर में, और बहुत अच्छे ढंग से सुखों में भी वृद्धि करेंगे। कोई अच्छा वाहन आप खरीद सकते हैं, अगर आपके पास कोई सेकंड हैंड या कोई ओल्ड व्हीकल है, उसको आप डिस्पोज ऑफ करके कोई नया वाहन खरीद सकते हैं अपने लिए, तो आपके सुखों में भी वृद्धि होगी शुक्र के द्वारा, पराक्रम में भी वृद्धि होगी, और धन का संचय, अपने मनी को सेव करना है या इन्वेस्ट करना है, वो भी बहुत अच्छे ढंग से कर पाएंगे प्लानिंग के साथ, और उसका अच्छा रिटर्न भी आपको प्राप्त होगा। तो इतने फायदे आप सिंह लग्न राशि के जातकों को शुक्र के कारण होने जा रहे हैं। छोटे भाई बहन का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा इस दौरान, छोटी दूरी की यात्राएं करेंगे, उनसे भी लाभ प्राप्त करेंगे। आगे बात करते हैं जो हमारे कन्या लग्न राशि के मित्र हैं,
जिनका विर्गो असेंडेंट है, आपके चार्ट में वीनस यानी कि शुक्र की जो पहली वृषभ राशि है वो है भाग्य भाव में 9th हाउस में, और दूसरी जो तुला राशि है वो है 2nd हाउस में, और ये 3rd हाउस में जाकर के बैठेंगे 13 अक्टूबर से। जब ये वहां जाएंगे तो आप कन्या लग्न राशि के जातकों को शुक्र के द्वारा किस प्रकार के रिजल्ट्सों की जो है प्राप्ति होने जा रही है, आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले आपके करेंगे भाग्य में वृद्धि साथियों, जहां पर भी अभी तक आप ऐसा महसूस करते आ रहे हैं जब से कि आपका भाग्य आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, अगर जितनी आप मेहनत कर रहे हैं, अगर उतना मेहनत करके भी अगर भाग्य साथ नहीं दे रहा है तो उस बात को लेकर के जो मन में कहीं एक निराशा है, उस वो निराशा निश्चित रूप से दूर करेंगे शुक्र। यानी कि जो मेहनत आप कर रहे हैं उसका एक जो सही मायने में जो रिजल्ट आपके सामने आना चाहिए बिल्कुल अब वही कार्य होने जा रहा है 13 अक्टूबर से 6 नवंबर के बीच। आपको बहुत अपने यानी कि कह सकते हैं कि आपका जो लक है वो काफ़ी मजबूत होगा, स्ट्रांग होगा, आपका भाग्य आपको सपोर्ट करेगा और आपके पराक्रम में पहले से अधिक वृद्धि होगी। भाई बहनों का छोटे जो हैं उनका सहयोग प्राप्त होगा और छोटी दूरी की यात्राओं से बहुत अच्छा लाभ प्राप्त तो करेंगे ही, साथ में ये यात्राओं का आनंद भी लेंगे। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो ऐसे लोग हैं कि जो स्टेज से जुड़े हुए आर्टिस्ट हैं या जो राइटर्स हैं, पोइट हैं, पब्लिशर्स हैं, उनको बहुत अच्छा लाभ और उनको बहुत अच्छी सफलता प्राप्ति के योग बनेंगे उनके लिए। और आपका जो अपने घर के जो बड़े हैं उनके साथ या घर के लोगों के साथ कहीं दूर किसी पिकनिक पर कह सकते हैं या किसी यात्रा पर जाने का भी प्लान आप कर सकते हैं और यात्रा पर भी जा सकते हैं। धन की जो सेविंग है वो भी बहुत अच्छे ढंग से करेंगे, प्लानिंग के साथ करेंगे, धन का जो इन्वेस्टमेंट है जो जहां पर करेंगे वहां से अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। तो इतने सारे लाभ आप कन्या लग्न राशि के जातकों को शुक्र के द्वारा होने जा रहे हैं। अब आगे बात करेंगे जो हमारे तुला लग्न राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका लिब्रा असेंडेंट तुला राशि के लॉर्ड तो स्वयं वीनस हैं, शुक्र हैं, और उनकी जो तुला राशि है वो लग्न भाव में है, तो लग्नेश भी हैं, पूरे चार्ट को आपके गवर्न कर रहे हैं, उसके लॉर्ड हैं ये शुक्र। तो साथियों जो इनकी पहली राशि वृषभ है वो 8th हाउस में है, और इन्होंने कहा 13 अक्टूबर से प्लेस्ड होना है, इन्होंने होना है आपके 9th हाउस में भाग्य भाव में, सॉरी क्षमा कीजिए, ये बैठेंगे 2nd हाउस में जाके, 2nd हाउस में जाएंगे अपनी समराशि वृश्चिक में 13 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर तक। और जब ये यहां पर आएंगे लग्नेश होकर के 2nd भाव में बैठेंगे जाकर, तो ये आप तुला लग्न राशि के जातकों को भी काफी कुछ पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। अब क्या क्या रिजल्ट देंगे ये आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका प्यार, उनका सहयोग, उनका आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा जब तक शुक्र यहां पर बैठे रहेंगे, पूर्ण रूप से बना रहेगा। और खाली उन्हीं का नहीं, घर में जो दूसरे बाकी और मेंबर्स हैं आपकी फैमिली के, उनका भी पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा, आपका भी उनको पूरा, आप भी उनको पूरा कोऑपरेट करेंगे, हर तरीके से आप सपोर्ट करेंगे, और जो भी आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनके लिए वो भी आप बहुत ही ऑनेस्टली सिंसियरिटी के साथ फुलफिल करने की पूरी पूरी आपकी कोशिश रहेगी। और इतना ही नहीं, आप अपने घर परिवार के सदस्यों के साथ अधिक से अधिक समय व्यतीत करना पसंद करेंगे, और जो भी समय आप व्यतीत करेंगे उस उन क्षणों का बहुत अच्छे ढंग से आनंद लेंगे। ये तो एक बात हुई। दूसरी बात वो ये है कि इस समय पर आपके जो घर के बड़े हैं गिफ्ट के तौर पे, चाहे तो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो या मूवेबल हो, वो आपको गिफ्ट कर सकते हैं, इस बात की बहुत अच्छी प्रबल संभावना है। और साथियों स्वास्थ्य भी आपका अच्छा बना रहेगा, स्वास्थ्य में जो कमियां थी वो दूर होंगी, और आपका जो बिहेवियर है काफी आप सॉफ्ट स्पोकन रहेंगे, लोगों के साथ आपका बहुत अच्छा व्यवहार रहेगा, और लोग आपके इस व्यवहार से काफी
प्रभावित रहेंगे, आपको एप्रिशिएट करेंगे। और साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि यदि आप अपना पैसा कहीं कुछ इन्वेस्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप, ये बहुत अच्छा समय है, इसमें आप अपने पैसे को प्लानिंग के साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसका अच्छा रिटर्न आपको जरूर मिलेगा। ये चीजें जो हैं आपको शुक्र के द्वारा मिलने जा रही हैं, जो हमारे तुला लग्न राशि के जातक हैं। अब आगे बात करते हैं वृश्चिक लग्न राशि के जातकों के विषय में। अब वृश्चिक राशि मंगल की राशि है, उसी राशि में शुक्र विराजमान रहे होंगे, 13 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर के बीच, यानी कि लग्न भाव में रहेंगे। तो भाई, रोमांस तो आपके ऊपर पूर्ण रूप से छाया रहेगा, काफी रोमांटिक रहेंगे आप, और ये आपके पूरा फेस पर भी दिखाई देगा। और ये जो फेस पर दिखाई देगा, इसका सीधा प्रभाव आपके वैवाहिक जीवन पर पड़ेगा, यानी कि उस वहां पर भी बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। अपने मैरिड लाइफ में बड़ा अच्छा सुखद समय आप निकालेंगे, और एक आकर्षित व्यक्तित्व आपके पास होगा, काफी आकर्षण रहेगा आपके व्यक्तित्व में। और दूसरी बात, अगर आप कोई दूर दराज की यात्रा करने की कोई प्लानिंग आपकी है तो वो यात्रा भी आपकी काफी सफल रहेगी, सुखद रहेगी। साथियों, अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं पहले से, उसमें भी अच्छा लाभ प्राप्त कराएंगे शुक्र आपको। तो ये इतनी चीजें जो हैं आपको शुक्र जो है देने जा रहे हैं। अब आगे बात करते हैं जो हमारे धनु लग्न राशि के मित्र हैं, जिनका सेजिटेरियस असेंडेंट बनता है, उनके विषय में बात करेंगे। तो जो हमारे धनु लग्न राशि के मित्र हैं, आपके चार्ट में जो उनकी पहली वृषभ राशि है शुक्र की, वो छठे भाव में है, सिक्स हाउस में, और जो तुला राशि है लिब्रा, वो है इलेवेंथ हाउस में, और शुक्र जाकर के बैठ रहे हैं द्वादश भाव में, अपनी सम राशि में, वृश्चिक में, 13 अक्टूबर से 6 नवंबर तक। यहां आने के बाद अब आप धनु लग्न राशि के जातकों को शुक्र के द्वारा किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलेंगे, तो सबसे पहली बात तो यह बताना चाहेंगे कि यदि आपके स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत गड़बड़ थी खान पीन के कारण, थोड़ा सा एब्डोमन जो भी है, या आपकी जो भी हेल्थ से रिलेटेड समस्याएं हैं, वो सारी समस्याएं दूर होंगी। और आपको अपनी हेल्थ में एक इंप्रूवमेंट होता हुआ दिखाई देगा। साथियों, दूर दराज की यात्राएं अगर करेंगे तो वो बड़ी सुखद रहेंगी। आपके जो पर्पसेस हैं, जिस पर्पस को लेकर आप ट्रैवल करेंगे, वो फुलफिल होगा, ये बहुत बड़ी बात है। और ये इसमें भी चांसेस इस बात के अधिक हैं कि ये यात्रा आपके कार्य के सिलसिले में हो सकती है। तो अगर आप कार्य के सिलसिले में यात्रा कर रहे हैं, तो ये तो मान के चलिए कि शुक्र इसको, यात्रा को आपके पूर्ण रूप से सफल करने वाले हैं। यहां पर समस्या क्या है, एक छोटी सी जो थोड़ा सा नेगेटिव रिजल्ट्स वाली बात अब हम कर रहे हैं, कि धन का लाभ तो आपको अच्छी मात्रा में रहेगा, धनु लग्न राशि के जातकों को शुक्र जो है धन का लाभ तो कराएंगे, लेकिन जो भी धन आपके हाथ में आएगा, ये धन जो है आप अपने ऊपर अधिक खर्च करेंगे, अपने लुक को बेटर करने के लिए, या कुछ अच्छे अटायर यूज करने के लिए, थोड़ा एक्सपेंसिव जो है चीजें खरीदने में अपना पैसा ज्यादा वेस्ट करेंगे। तो धन का अभाव भी हो सकता है अधिक खर्च होने के कारण। तो जहां तक हो सके धन का जो व्यय है, जो खर्चा है, जहां पर भी आप उसको स्पेंड कर रहे हैं, सोच समझ के करें, ताकि आपका बजट जो है वो आपके कंट्रोल में रहे। अगर आपका बजट बिगड़ गया तो आपको आवश्यकता पड़ने पर, जहां पर भी धन की आवश्यकता होगी और धन का अभाव अगर हो गया, तो आपकी आवश्यकताएं पूर्ण कैसे होंगी, पूरी नहीं हो सकती। तो इस बात का भी ध्यान आपको रखना है। वैसे मित्रों के साथ भी आप कहीं घूमने के लिए, कहीं
या कोई योजना तैयार कर सकते हैं, कोई प्लान कर सकते हैं एंजॉय करने के लिए अपने मित्रों के साथ। दूसरा, देखिए अगर कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई मामला चल रहा है आप धनु लग्न राशि के जातकों का, उसमें अच्छा रिजल्ट आपको मिल सकता है। कुछ आपके फेवर में रिजल्ट जा सकता है। कर्जा अगर आप लेना चाहते हैं अपने किसी कार्य के लिए, तो ये वो समय होगा कि अगर इसमें आप एफर्ट करेंगे तो आपका कार्य बन सकता है। तो साथियों, इतनी चीजें आपको धनु लग्न राशि के जातकों को जो शुक्र दे रहे हैं, उसमें बस एक ही कमी नजर आई है कि खर्च की अधिकता, आपके द्वारा अपने ऊपर अधिक खर्च किए जो है करेंगे। अब आगे बात करते हैं मकर लग्न राशि के जातकों को लेके, कि जिनका कैप्रिकॉर्न असेंडेंट है उनको शुक्र जो है राशि परिवर्तन के उपरांत किस प्रकार के रिजल्ट्स देंगे। देखिए आपके चार्ट में शुक्र जो है उनकी पहली राशि जो वृषभ है टॉरस, वो है पंचम भाव में, फिफ्थ हाउस में, और जो उनकी दूसरी लिब्रा साइन है तुला राशि है वो टेंथ हाउस में। तो देखिए अब इनको कहाँ प्लेस होना है, ये जाएंगे 13 अक्टूबर से, जैसा मैंने कहा, अपनी समराशि वृश्चिक में जो कि 11th हाउस में है। और जब ये 11th हाउस में आएंगे, अब देखिए क्या है कि मकर लग्न राशि के जो जातक हैं उनके लिए तो शुक्र वैसे ही राजयोगकारी ग्रह हैं। आपके चार्ट के अकॉर्डिंग अगर हम बात कर रहे हैं तो यही आप कुछ बताना चाहेंगे कि शुक्र आपके लिए बेनिफिशियरी प्लेनेट है और वो इस समय 11th हाउस में जाकर के बैठेंगे 13 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर तक। तो साथियों जब ये यहां पर आएंगे तो सबसे पहले तो आपके मित्रों का भरपूर मात्रा में सहयोग आपको प्राप्त होगा, उसमें मेल भी होंगे फीमेल्स भी होंगे, दोनों ही प्रकार के मित्रों से आपको भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। आप उनकी कंपनी को एंजॉय करेंगे, उनके साथ अधिक समय व्यतीत करना पसंद करेंगे, और इतना ही नहीं धन का लाभ भी अच्छी मात्रा में आपको होने वाला है उस दौरान शुक्र के कारण। इसी के साथ साथ बड़े भाई बहनों का भी प्यार स्नेह आशीर्वाद सहयोग सब कुछ मिलेगा। और जो मकर लग्न राशि के वो स्टूडेंट्स हैं जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं सामान्य एजुकेशन, उनके लिए भी बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे। जो लोग अपने रोजगार से जुड़े हैं या व्यापार से जुड़े लोग हैं, वे लोग भी अगर इस समय पर कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, क्योंकि इस अवधि में, इस ड्यूरेशन में लिए गए डिसीजंस, जो महत्वपूर्ण डिसीजंस आपके द्वारा लिए जाएंगे उनका बहुत अच्छा लाभ आपको मिलने वाला है, और बड़े रोमांटिक भी रहेंगे आप। और जिनके लव अफेयर वगैरह चल रहे हैं या जो लिव इन रिलेशनशिप में हैं, उनके रिलेशनशिप में भी काफ़ी मजबूती आएगी, काफ़ी प्रोग्रेस होगी, और आप अपनी इस रिलेशनशिप को भी बहुत अच्छे ढंग से एंजॉय करेंगे। संतान के द्वारा माता पिता को बहुत ही अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं इस दौरान जब शुक्र वृश्चिक राशि में जाएंगे। आगे बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों को लेकर के। कुंभ राशि के जो जातक हैं, यानी कि जिनका एक्वेरियस असेंडेंट बनता है, तो आपके चार्ट में जो उनकी पहली वृषभ राशि है शुक्र की, वो है फोर्थ हाउस में, चतुर्थ भाव में, और जो दूसरी तुला राशि है वो है नवम भाव यानी भाग्य भाव में। तो आप कुंभ लग्न राशि के जातकों के लिए भी शुक्र जो हैं वो बेनिफिशियरी प्लेनेट हैं, राजयोगकारी ग्रह हैं, और इन्होंने जाकर के बैठना है आपके दशम भाव में 13 अक्टूबर से लेके और 6 नवंबर तक। निश्चित रूप से आपका जो भी कारोबार है, जो व्यापार है या रोजगार है, उसमें बढ़ोतरी, उसमें वृद्धि, उसमें सफलता प्राप्ति निश्चित रूप से होगी। बहुत अच्छा योग, सुंदर योग बनने जा रहा है। सुख सुविधाओं का भी भरपूर तरीके से लाभ लेंगे, कोई नया वाहन आदि भी खरीद सकते हैं, यानी कि सुखों में वृद्धि के भी संकेत हैं। मातृ पक्ष से भी कुछ लाभ की प्राप्ति का योग बन रहा है। यदि माता पहले से कुछ उनके स्वास्थ्य में कुछ कमी थी तो स्वास्थ्य में सुधार भी आपको होता हुआ दिखेगा। और जो जनता है, अगर आप कोई
पॉलिटिक्स में हैं, पॉलिटिक्स करते हैं, राजनीति करते हैं, तो जनता से भी अच्छा प्यार आपको मिलेगा, जनता में भी आपकी अच्छी आप डिमांड में रहेंगे। और भाग्य का भी सपोर्ट आपको मिलेगा, भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा। हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर पाएंगे। शुक्र बहुत कुछ दे रहे हैं कुंभ लग्न राशि के जातकों को इस राशि में जाने के बाद। आगे बात करते हैं मीन लग्न राशि के जातकों के लिए, जिनका कि पाइसेस असेंडेंट बनता है। तो आपके मीन लग्न राशि के जातकों के चार्ट में उन शुक्र की जो पहली वृषभ राशि है वो है थर्ड हाउस में, तृतीय भाव में, और दूसरी उनकी जो तुला राशि है लिब्रा साइन वो है एर्थ हाउस में। तो आप वैसे देखा जाए तो आप मीन लग्न राशि के जातकों के लिए शुक्र जो है वो योगकारी तो नहीं है, अकारक ग्रह हैं, लेकिन अब देखते हैं कि इनके किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलने जा रहे हैं मीन लग्न राशि के जातकों को। अब इनका जो प्लेसमेंट होगा वो नवम भाव में होगा साथियों, भाग्य भाव में। तो जब यहां पर ये आ रहे हैं तो जो हम देख पा रहे हैं, आप मीन लग्न राशि के जातकों को भी शुक्र बहुत अच्छे परिणाम देने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आपके भाग्य को ही सपोर्ट कर रहे हैं, भाग्य को, भाग्य का तो पहले से ही आपको अच्छा सपोर्ट मिल रहा था मीन लग्न राशि के जातकों को, ये उसमें और अधिक वृद्धि कर रहे हैं, उसको और अधिक मजबूत कर रहे हैं। और आप घर परिवार के सदस्यों के साथ कहीं यात्रा का प्लान कर सकते हैं जाने का, दोनों प्रकार की यात्राओं की प्लानिंग आप कर सकते हैं, धार्मिक की भी और अपनी, जैसे पिकनिक वगैरह कहीं जाते हैं या थोड़ा घूमने के लिए जाते हैं, ऐसे भी यात्रा प्लान कर सकते हैं। हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति के योग बनेंगे शुक्र के द्वारा। पराक्रम में आपके बहुत अच्छी वृद्धि होगी, परिश्रम अधिक करना पसंद करेंगे, छोटी बहन भाइयों का भी सहयोग भरपूर मात्रा में आपको प्राप्त होगा, और छोटी दूरी की यात्राएं अगर आपको करनी पड़ती हैं या करने की कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो बहुत ही लाभकारी रहेंगी, सुखद रहेंगी। और इसके साथ साथ यदि आप कोई पब्लिशर हैं या पोइट हैं, राइटर हैं, इतिहासकार हैं, जो भी हैं, ऐसे लोगों को भी शुक्र बहुत अच्छा लाभ कराने वाले हैं जब वृश्चिक राशि में रहेंगे। और घर परिवार में जो आपके घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनका भी प्यार और आशीर्वाद बहुत अच्छे ढंग से आपको मिलेगा, तो आप उनका भी मार्गदर्शन से भी आपको लाभ मिलेगा, उनका प्यार और स्नेह जो मिलेगा, हो सकता है वो गिफ्ट के रूप में आपको कुछ दें, ये भी संभव है। तो साथियों ये थी चर्चा शुक्र देव के राशि परिवर्तन करने से आप सभी 12 लग्न राशियों के ऊपर उनके किस प्रकार के प्रभाव देखने में आएंगे, इस बात को लेकर के ये चर्चा थी, या किस प्रकार के रिजल्ट्स आप सभी 12 लग्न राशि के जातकों को प्राप्त होंगे जब तक शुक्र जो हैं अपनी समराशि वृश्चिक में रहेंगे 13 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर तक। और हम आशा करते हैं ये चर्चा आपको पसंद आएगी या पसंद आई होगी। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में यदि आप इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर करेंगे तो वे लोग भी इस जानकारी का अच्छा लाभ ले सकेंगे। और यदि आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस बनते हैं एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, वे सभी वीडियोस समय रहते विद नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएं और आप भी उन सभी वीडियोस का बहुत अच्छे ढंग से लाभ ले सकें, तो फिर आप बिना देर किए बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए साथियों। तो इसी के साथ अब हम अपने इस कार्यक्रम का करेंगे समापन और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।